सो हेलो व्हाट इज अप यूट्यूब की जनता, कैसे आप लोग। मेरा नाम सान, आप देख रहे हो कौन से गेमर्स कौन यूट्यूब चैनल। यार ये यही चैनल का नाम मेरे मुंह से क्यों निकलता है हमेशा। तो गाइस आज हम लोग खेल रहे हैं वापस एक बार माइनक्राफ्ट के बेट द वॉर्स। तो यार आज मैंने सोचा कि क्यों ना ऑब्सीडियन रश का चैलेंज किया जाए। यार अगर पिछले वीडियो में अगर तुमने देखा होगा यही मैप में इसी जगह पर हमारे साथ क्रॉस स्ट्रीमिंग का धोखा हो गया था। वैसे क्रॉस स्ट्रीम इज़ बैन ऑन सर्वर। मैं सिर्फ ऐसा टाइम पास के लिए करने वाला था, मैं भी उसको ठोकने वाला था, बट हम यहाँ पे साले यहाँ पे मिनिमम पे चलाने की औकात नहीं और तुम मैक्सिमम की बात कर रहे हो। एनिमेशन सब डिक्रीज है। हाँ तो अभी कुछ ऐसा खेल तो पा रहा हूँ मैं। ओके थोड़े से ब्लॉक्स बचा कुछ ऐसा बेंडर चेस्ट में, लास्ट का बंदा डिफेंड करेगा। और गाइस हाँ मैं तुम लोगों को ना तब तक इसका एक रूल बता देता हूँ ऑब्सीडियन रश का, कि ऑब्सीडियन रश के अंदर मैं सिर्फ लोगों को मार सकता हूँ बट मैं उनके बेसिस को रश नहीं कर सकता, ठीक है। लाइक मैं किसी के बेस पे नहीं जा सकता जब तक मेरे पास ऑब्सीडियन खरीदने के एमरल्ड्स मतलब पैसे ना जाए, एमरल्ड्स ना जाए। सो ऑब्सीडियन का कॉस्ट है पूरे बेट को डिफेंड करने के लिए 8 एमरल्ड्स। तो अपने को 8 एमरल्ड्स खरीदने लेने पड़ेंगे यहाँ से मेट से। सो शुरुआत में 3 एमरल्ड्स स्पॉन होते हैं और मैं बस लोगों को मार सकता हूँ, पता बस इतना ही, और ज़्यादा कुछ मैं कर भी नहीं सकता हूँ। लाइक मैं लोगों के बेस के पास जा सकता हूँ बस बस उनके बेस के अंदर नहीं जा सकता। ओके एमरल्ड्स आ चुके हैं यहाँ पे और मैं एक मस्त वाला स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाला हूँ। जितने भी एमरल्ड्स मेरे को मिल रहे उन सब वो मेरे टीममेट है। मेरी फट गई भाई, ये कौन आ गया, मैं खिसक रहा हूँ यहाँ से ऐसे। और मैं एक मस्त वाला स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाला हूँ, जब तक मैं एमरल्ड स्पॉन होते तब तक मैं अपने बेस पे डिपॉजिट करके आ जाऊँगा। बस बस मेरे टीममेट्स जो है ना इतना ना करे कि भाई जब देखो तब एमरल्ड्स लूटने का काम, लाइक वो मज़ा नहीं आएगा। इट काइंड्स ऑफ सक। ओ भाई नहीं नहीं स्पॉन ही नहीं हुए अभी तो। हाँ ओके ओके आई थिंक ये जल्दी हो जाएगा अगर मैं अभी ना मरूँ तो, ठीक है। अगर मैं अभी नहीं मरूँगा ना तो जल्दी होगा ये, वरना भाई बहुत लेट होगा। और गाइज मैं यूजुअली ना मैंने तुमको बताया गेमर बॉय एक्सपेक्टेशंस मत रखना मेरे पास, मैं कभी कभी ऐसे ब्रिज से चलते चलते ऐसे फिसल के गिर जाता हूँ। ओह गिरने वाला था मैं मस्ती कर रहा था बट सच में हो गया वो। कोई वैसे ब्लॉक्स की स्वॉर्ड रख लेता हूँ। यार मेरे को आर्मर खरीदने का और पीपी करने का बहुत मन हो रहा है यार, मेरे को बहुत ज़्यादा। मैं रश बंद हूँ पता है, मैं डिफेंड करने के लिए रुकता ही नहीं हूँ। बस एक लेयर डिफेंड अगर मैं कर भी रहा हूँ तो मैं एक लेयर लगा दूंगा बस। ओके क्या मेरा टीममेट एक शार्पनेस खरीद सकते हैं हमारे लिए। बस कोई मेड पे मत आओ, मैं दूसरी बार यहाँ से बचाऊँ, मैं लिटरली दूसरी बार बचाऊँ। ओके स्पॉन हो गया, एमरल्ड स्पॉन हो गया। यस सही 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 सही। अब मैं सुरक्षित बेस पे जाके, शेयर्स है मेरे पास। नहीं 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 जा 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 जा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। शिट मैं वर्ल्ड में गिर गया, मैंने ऑलरेडी बोला था। मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं फिसल रहा हूँ ऐसा ब्रिज से, ऐसा लग रहा है मेरे को। 16 ब्लॉक ठीक है चलेगा। वो यार वो एक रेड की वजह से, यार वो रेड अगर नहीं आता ना बेटा, या मत यूँ मेरे स्टोन स्वॉर्ड का पैसा बर्बाद होता है। सालों के कहने शार्पनेस है भाई साहब, ये ठोक के मारेंगे हम लोगों को। ग्रेट पीपी ग्रेट पीपी। अबे टीममेट भाई क्या क्या पापा क्या चिंदी टीममेट है बे, वो ऊपर तमाशा देख रहा है बट ऐसा नहीं कि भाई जाके हमारे टीममेट की मदद करे। नहीं बेचारा ये बेट डिफेंड करते हुए आया यहाँ पे भाई। अगर वो लोगों ने गलती से भी, अच्छा उसके पास डायमंड्स थे, अगर भाई वो बंदों के गलती से भी अगर उनके पास कुछ आ गया ना अच्छा स्टफ, तो भाई हमारे वांदे लगने वाले, क्योंकि मुझे मेरे टीममेट्स पर रद्दी भर भरोसा नहीं है। लेट्स गो ऑब्सीडियन। हो जाता जल्दी काम, मैं देख रहा हूँ अगर रेड वेड कोई आ रहा है ना तो अभी नहीं खरीदना ऑब्सीडियन अपने को। फिर
ओके कोई तो आ रहा है, एक्चुअली आ रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ पता है, मैं अपने आप को ना ऐसे अंदर ब्लॉक कर लेता हूँ ताकि अगर वो आए तो मैं संभाल पाऊँगा एक साइड से। वो मैं अपना बेड क्यों तोड़ रहा हूँ। ओके आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। आई थिंक मेरे टीममेट्स ने संभाल लिया समहाउ। ओके ऑब्सीडियन लग चुका है। भाई मैं डर गया, मैं 2 मिनट के लिए चुप हो गया। मैंने बोला आ गए रेड वाले आ गए, वांदे लग गए। ऑब्सीडियन का रास खुल गया। ऑब्सीडियन का मज़ा यार तभी है जब जब सामने वाली टीम को पता ही ना हो कि तुम्हारे पास ऑब्सीडियन है, वरना तो भाई ऑब्सीडियन का क्या ही मज़ा यार। मतलब वो मज़ा ही क्या जहाँ पे टीम में टीम को पता चल जाए कि तुम्हारे पास ऑबी है, कुछ मज़ा नहीं आता है खास। एक ये मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉक से क्योंकि आई हैव मतलब स्टैक हुआ पड़ा हूँ मैं जंप, क्योंकि स्पीड में लेता नहीं हूँ। कौन आया अभी बेस पे? व्हाट द भाई, शुद्ध शुद्ध चीज़ें मुंह से निकलवाने में ना मेरे टीममेट्स को मैं 100 of 100 का ग्रेड दूंगा। ग्रीन तेरे को क्या है, मैं तेरी बेस पे जाता हूँ, तेरे को ही उंगल करूँगा मैं, रुक जा। मेरे को यहाँ से नहीं पीना चाहिए था, मैं वहाँ तक जाऊँगा तब तक ख़त्म हो जाएगा वो। ये देखो ये लोग ना नहीं सुधरेंगे, इनको लगता है ये ब्रिज करके ना ये लोग कूल दिखेंगे। भाई ब्रिज भी नहीं है यहाँ से तो। मेरे ब्लॉक्स है भाई, कभी करते हो तो मैं पूरे ब्रिज करता हूँ भाई, हाफ ब्रिज मेरे से नहीं होता है। कितना बचा है मेरे पास अभी यहाँ पे? ये ऑप्टिफाइन है वो, हो गया। कितना बचा है मतलब हो गया, इतना बोला है सिर्फ मैंने, कितना बचा है हो गया ख़त्म। ओके स्टिल मैं इनका बिल्ड ले सकता हूँ आराम से, इनके बेस पे भी कोई नहीं है। थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग हो जाए। आई थिंक कीवी स्टिक, एक फायर चार्ज, हल्के से ब्लॉक्स, इनकी ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं। फायर बॉल यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ पे, ब्लॉक्स यहाँ पे, बस वो लोग मेरे बेस पे ना गए। आई थिंक वो लोग जाएंगे। ओके तो ग्रीन टीम एलिमिनेटेड है, हो चुकी है, पता नहीं किससे हुई, लेट मी, अच्छा ब्लू वालों से हुई। सो आई थिंक ब्लू वाले क्वाइट सॉरी, हाँ मैं बोल रहा हूँ ब्लू वाले क्वाइट पर, क्योंकि ब्लू मैं ही हूँ, हमारी टीम ही है। मैं नल्ला समझ रहा था अरे हमारे टीममेट्स को, लाइक सच में मजाक नहीं। अब मेरे को रेड रेड को रश करना है क्योंकि येलो भी गेम में है नहीं। ओह नाइस, सही टाइम पे मैं मिड पे आया हूँ, लाइक मेरा आर्मर का पैसा इकट्ठा हो गया। अगर मैं मरूँ ना ना तो भाई, बोलते बोलते ही शनि लग गई थी अभी। मैं भाई डायमंड जन से डायमंड्स वगैरह लूटने का काम मैं नहीं करने वाला हूँ। अब अगर मेरे टीममेट्स ने माइनर फटिक खरीदा है तो अच्छा है, क्योंकि माइनर फटिक क्वाइट हेल्प्स। और अपने मेरे को टेंशन नहीं, मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ इस बार फालतू का। अपने पास ऑप्सीडियन है भाई, अरे मेरे पास केबी स्टिक भी पड़ा है ना। हाँ यार मेरे को अभी आ रहा है केबी स्टिक है अपने पास, आर्मर। हाँ तो केबी स्टिक को मैं क्या करता हूँ, ये ब्लॉक्स की जगह ना केबी स्टिक ले लेते हैं अपन यहाँ पे टूल्स के अंदर ही, और इसको मैं स्वॉर्ड के बाजू में कर देता हूँ और पिकैक्स को लास्ट में रख देते हैं। तो ऐसा क्या है, थोड़ा केबी स्टिक के साथ मारने में मज़ा आता है, एड्स पे होता है तो बंदा नॉकबैक मिलता है ना उसको। चलो अपने पास 2 फायरबॉल है तो अभी अपन रेड को आराम से मतलब फुल स्टैकअप होकर रश करने जा सकते हैं। और मेरे पास डायमंड आर्मर भी है बट मेरे पास TNT नहीं है, ठीक है। क्यों थोड़ा ज़्यादा जोर से हो गया, बट क्यों गिरता हूँ मैं ऐसे। हाँ मेरे को TNT भी खाई, ओ शिट टाइम पे आया हूँ मैं। अरे यार मेरे टीममेट एक नंबर के पागल है यार। भाई ये क्या करने क्या करके आ रहे थे भाई ये लोग, रेड में लिटरली सिर्फ 2 बंदे जिंदा है। मैं फालतू मरा वर्ल्ड में, मैं सच कह रहा हूँ मैं फालतू मरा वर्ल्ड में।
भाई ये लोग ना घंटा कुछ नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा भाई प्रो है भाई, हम संभालेंगे इनकी गलतियों को। मेरी केवी स्टिक वेस्ट चली गई इन लोगों के चक्कर में, और ठीक है मैं मरा तो मेरे को अच्छा लग रहा है भाई, क्योंकि मेरे टीममेट्स को मेरे पे इतना भरोसा नहीं है। और यहाँ से ब्रिज आई थिंक अच्छा रेड वालों ने किया है भाई। जैसे ही मैं आया मेरे को एक एक्सप्लोजन का आवाज़ सुने आया, सो थोड़ा मेरे को लगा कि अपना बेड गया है, बट फिर ऑब्सीडियन की याद आई मेरे को भाई। ये क्यों जा रहा है ऐसी मारने, उनको नहीं कर सकता तू कुछ उनका। ओके तो मैं टीममेट के साथ साथ ऊपर आ चुका हूँ, सो अब मैं ऑप्स ये गिरा सकता हूँ TNT अच्छी तरीके से। ओके लेट्स वेट के इन्होंने भाई साहब ने बेड तोड़ दिया है। भाई इन लोगों के पास अच्छा खासा स्टफ है यार, अगर मेरा टीममेट थोड़ा सा रिस्क ले लेना तो हो जाए। एक बंदा डिस्कनेक्ट भी हो गया बेचारा, नहीं मेरे दूसरे टीममेट के थ्रू एलिमिनेट हुआ है वो। ओके कोई दिक्कत नहीं, ये बंदे को तो मैं आराम से देख लूँगा, और मैं गोल्ड ना वर्ल्ड में फेंक देता हूँ या फिर यहाँ ब्रिज पर डाल देते हैं। सो गाइस होप यू एन्जॉय दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। फ्यूचर में हम लोग ऐसे अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ खाक अच्छा नहीं था मेरे को 50 बार मरने को देख के, बट आई थिंक एडिटिंग में कुछ करने की कोशिश करूँगा मैं, लाइक खुद को बार बार रिस्पॉन पॉइंट पर डालने की। बट एनी वेज कोशिश करूँगा इसको अनकट छोड़ने की, और मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल दैट बाय एंड सी यू इन अनदर नेक्स्ट फ्रेश वीडियो।